हेलो दोस्तों, एक समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एक समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के बटन को दबाकर हमारी नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। सागवाड़ा थाना अधिकारी दिलीप दान ने सागवाड़ा की जनता को लॉकडाउन में घर पर रहने की अपील की और कहा कि सब्जी, किराना सामग्री व दूध लेने अगर आप जा रहे हो तो पैदल ही जाएं, वाहन लेकर ना आए वरना वाहन जब्त कर लिया जाएगा। सभी नगरवासी एसपी साहब के आदेश की पालना करें। लॉकडाउन के तहत सिर्फ राशन सामग्री दवाई खरीदने हेतु पैदल बाजार में आने की अनुमति है, लेकिन कुछ लोग अभी भी दो पहिया वाहन पर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो भी दो पहिया वाहन चालक बेवजह घूमता पाया गया, इसके वाहन जब्त किए जाएंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले में या चबूतरे पर बैठकर बातें करने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। भोजन सामग्री बांटने के नाम पर 5 से 10 जगह झुंड बनाकर नहीं निकले। जिसे स्वीकृति मिली है वह स्वीकृति पत्र साथ रखें। एक या दो व्यक्ति सामग्री बांटने निकले, जिन व्यक्तियों के घरों के पास में किराना की दुकानें हैं वो अपना सामान वहीं से खरीद लें। सीआई साहब दिलीप जी दान जी, सर बताइए क्या क्या आदेश है एसपी साहब के? एसपी साहब के, प्रशासन के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, सारों को यही आदेश है कि अभी ये जो कोरोना 19 वायरस की जो महामारी है, इसका बचाव यही है ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे लोग, अकारण लोगों के संपर्क में नहीं आए, कहीं भीड़ में नहीं जाए। यदि आपका बहुत ही ज़रूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है या आपने किराने का सामान लाना है तो पैदल चले जाए। हर एक किराने की दुकान के लिए प्रशासन ने मंजूरी दे रखी है, वो खुली रहेगी, लेकिन वहाँ पर अपना जो डिस्टेंस है करीबन 6 से 7 फीट वो बना के रखे। दुकानदारों को भी ये पाबंद करवा दिया है कि वो ऐसे गोले बना के उनके ग्राहकों को, ये सभी को पहले से तायद कर दे। अपने जो काउंटर है उनको भी सैनिटाइजर करके रखें और जहाँ तक हो सके व्हीकल का प्रयोग कम करें। अकारण लोग एक दो व्हीकल होते हैं, फिर हालांकि प्रशासन ने जो हॉस्पिटल के कर्मचारी है, बैंकिंग कर्मचारी है और जो भी आवश्यक सेवाओं के जो राज्य सरकार के कर्मचारी है उनको बता रखा है कि वो अपने पास अपने जो आईडी कार्ड है अपने गले में रखे। जिनको आने जाने किया जा रहा है, जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं उनको भी प्रशासन ने पास दे रखे। अभी तक कितने वाहन जब्त कर चुके हैं सर? अभी तक हमने करीबन 130 के आसपास वाहन जब्त कर लिए, जो बिना कारण से, जो बिल्कुल पड़ोस में रहते हुए भी कोई कारण नहीं है और सिर्फ घूमने के बहाने, एक छोटी सी चीज लेने के बहाने, जो पैदल भी आ सकते थे, भीड़ करने के जो भी थे और अकारण जो घूम रहे हैं उनको हम वाहन ले रहे हैं। नहीं, इस कार्य के लिए हम प्रशासन की तहे दिल से प्रसन्न कर रहे हैं, स्वागत करते हैं इस बात का।